आज मेरे पास कौन से स्टॉक्स हैं जिसपे मैं फोकस कर लूं? देखिए, काफी ज्यादा स्टॉक्स है जहाँ पे कि ट्रैक्शन दिख रहा है, बट अगेन मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो इनलाइन विद द इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे कि रिकॉर्ड हाई के पास है या फिर जहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो उस तरीके के काउंटर्स में पहला जो नाम है वो केल्विन होम का है। और इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है। अगर आप देखेंगे करीब 13% ऊपर है ये स्टॉक, 373 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, 573 के अराउंड पे, सॉरी। सर, कौन सा मैं सुनने और वाला था? बोलो, काफी, हाँ जी, नाम कौन सा, स्टॉक कौन सा कह रहे हैं सर? कैनफिन होम, कैनफिन होम। हेलो, सर एक बार स्पेलिंग मेरे को बता देंगे? इट्स कैनेडा, कैनफिन होम, जो अच्छा कैनरा बैंक अच्छा का कैनफिन कह रहे हैं, कैनफिन कैनफिन। होम, राइट। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छा मोमेंटम रीगेन किया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों से एक रेंज में था और आज रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। बीच में अटेम्प्ट जरूर किया था उसने ब्रेकआउट का, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजल आउट हुआ। बट पॉजिटिव चीज ये है कि बेसिस जो है, जो लोज हैं वो ऊपर की फॉर्म कर रहा था। तो पहले जो इसने बेस बनाया करीब 510 पे, फिर 520 पे, फिर 540 पे, और आज ब्रेकआउट। तो ये एक काफी अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंटिन्यू हो सकता है और नियर टर्म में करीब 620 जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था वहां तक जाने की पोटेंशियल लगता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 555 के स्टॉक के साथ, 620, 610, 620 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा ये स्टॉक फार्मा स्पेस में से है, ग्रैनुल्स। उसमें भी आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है। पिछले करीब 10-15 दिनों से एक बहुत नैरो रेंज में था और वहां पे आज करीब 4-5% की तेजी अभी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो डेफिनेटली इसको एक बार में नहीं बाय करना है, इसको एक्यूमुलेट करना है। ये 390 से 400 के बीच में आप बाय करेंगे। टोटल पोजीशन का स्टॉप आप 375 पे रखेंगे और ऊपर पे करीब 420 प्लस के लेवल्स के लिए आप ग्रैनुल्स को होल्ड कर सकते हैं। तो ये दो बेस्ट स्टॉक्स जो मुझे अभी स्क्रीन पे लग रहे हैं कि कोई भी अगर ट्रेड करना है आपको शॉर्ट टर्म में पोजिशनली, तो डेफिनेटली ये बेट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये दूसरा वाला जो फार्मा स्टॉक है वो एक बार नाम फिर से बता दीजिए, आवाज आपकी थोड़ी सी मेरे पास अच्छी नहीं। ग्रैनुअल्स, अच्छा, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं क्या सर? जी ठीक है, ग्रेन्यूल्स इंडिया में कह रहे हैं। इसमें भी तो दोनों में बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। ग्रेन्यूल्स में जहाँ आप तो कह रहे हैं कि एक्यूमुलेट करना होगा, मतलब एवरेजिंग करते जाए, जैसे अगर कोई की डिप आता है तो उसमें ऐड करते जाए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, 390 से 400 के बीच में आपको बाय करना है। 375 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 420 तक का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ अभी लेवल से लेकर के और इसके नीचे 390 तक और उसके नीचे तक अगर आपको कोई भी डिप मिलती रहती है तो उसमें ऐड करते चल सकते हैं, क्योंकि आज ये तेजी से भागा हुआ है, 4.5-5% के करीब बढ़त दिखा रहा है अभी ग्रेन्यूल्स इंडिया, तो इसमें एक्यूमुलेट करने की राय। और दूसरा कैनफिन होम्स, ये दो में बाइक की सलाह दे रहे हैं अजीत जी। ठीक है।